सुरजीत देसी ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, प्लीज़ दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। गुड मॉर्निंग। पहले तो आज सुबह 7 बज रहे हैं और मैं सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ, देख रहे हैं पूरा एकदम ठंड लग रहा है यार, पूरा ठंड लग रहा है, अभी धूप भी नहीं निकली है। तो यार चलिए, फाइनली मैंने ब्रश भी कर लिया और नहा लिया, तो देखते हैं यार अभी आगे क्या होता है, देखते हैं खाने में क्या क्या बन रहा है। चलिए बने रहिए ब्लॉग पे लास्ट तक, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। सो फाइनली गाइस, अभी थोड़ा टाइम लग रहेगा खाने में, अभी बना रहे हैं यार, खाना बन रहा है, फाइनली जब बन के रेडी हो जाएगा तभी। ये दाल, अभी इसमें थोड़ा टमाटर वमाटर पड़ेगा, ये चावल, और ये देखो ये रोटी बन रही है। हाय करना थोड़ा, गाइस खाना फाइनल हो गया है और हम लोग खाने जा रहे हैं, तो अभी देखिए क्या क्या बना हुआ है। ये देखो दाल चावल रोटी, और इधर पे ये देखो ये प्याज काट रहा है, ये दाल चावल रोटी, देसी एकदम देसी खाना, खाना हो तो कमेंट करो। ये देखो ये रोटी रखी हुई है, एकदम देसी खाना देसी। अरे ये ब्लॉग से अभी दिखाते हैं, कुछ खाओ लेते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। मीट बनने रही वीडियो में लास्ट तक, कंटिन्यू कीजिए, मिलते हैं अभी, खाना उन्हें खा लिया थोड़ा फिर उसके बाद। सो फाइनली गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये भट्टा है, ये देख सकते हो चिमनी है, और फाइनली ये मेरे पीछे दो, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं ईंट पकाने का। यार बहुत ही मेहनत होता है भाई, तभी पैसा मिलता है यार, इसलिए यार एक वीडियो को लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, अभी नए हो यार प्लीज़ यार भाई, बहुत ही मेहनत, क्या बताऊँ, काम करते यार, तो 300 रुपये पर डे मिलता है, उसमें से 100-150 रुपये खर्चा हो जाता है। प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करें यार, ताकि हम लोग कुछ आगे कर पाएँ, काम करते हैं। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो में कैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्या आग पे